भयानक। कहानियां। जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर विश्वास करना काफी मुश्किल होता है। ऐसी एक घटना मेरे साथ भी घटी थी। आज आप लोगों को वही कहानी सुनाने वाला हूं। विश्वास हो तो करिए, और अगर आप विश्वास ना भी करें तो मैं दुखी नहीं हूंगा। सरकारी काम से मैं उस समय हजारीबाग के किसी अंचल में रह रहा था। एक आदमखोर बाघ के आतंक से वहां के लोग हाहाकार कर रहे थे। बार बार उसे देसी व विदेशी गोली लगने के बावजूद भी वह जिंदा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह कोई साधारण बाघ नहीं है, बाघ के रूप में वह कोई हिंसक अपदेवता है। किसी किसी ने उसे आंखों के सामने हवा में गायब होते हुए देखा है। उसे मनुष्य की तरह बात करते हुए भी सुना है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। वन के अंदर बैठकर वह लड़की की आवाज में रोता, उसकी रोने की आवाज सुनकर जो भी वन के अंदर जाता वह फिर वापस नहीं आता। इसीलिए वहां के लोग उसे शैतान कहकर पुकारते थे। शैतान को देखने से ही पहचाना जा सकता था क्योंकि उसका पूंछ नहीं था। शायद किसी वन के जंतु से लड़ाई करते वक्त वह अपनी पूंछ से वंचित हुआ हो। लेकिन लोगों का विश्वास है कि शैतान का यह पूंछ कटा होना ही उसके अलौकिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। बाघ की पूंछ ना हो यह भी क्या कभी संभव है? इन सारी कहानियों पर मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आदमखोर बाघ अक्सर चालाक ही होते हैं। बड़े बड़े शिकारी भी उनका वध नहीं कर पाते, इसलिए इन सब बाघों के नाम पर इस तरह की कहानियां बनती हैं। मैंने ऐसी भी कहानियां सुनी हैं जिनमें मनुष्य किसी पशु का रूप ले सकते हैं, मगर इस आधुनिक युग में इन सब कहानियों पर विश्वास करना बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। और वह समय भी जल्दी ही आ गया जब मुझे भी इस शैतान से मिलने का मौका मिला। एक दिन शाम के वक्त मेरे मित्र हरीश के साथ हिरण का शिकार करके वापस आ रहा था। हमारे साथ दो कुल्ली थे जो मरे हिरण को उठाकर हमारे पीछे चल रहे थे, और हमारे साथ मेरे शौक से पाला हुआ कुत्ता टाइगर भी था। वन में चलते चलते अचानक एक मोड़ पर हमें सामने दिखा एक बड़े से आकार का बाघ जो कुंडली मारकर सोया हुआ है और उसकी कोई पूंछ नहीं है। वैसे तो हमें कभी भी जंगल में किसी हिंसक जंतु को देखने पर आवाज नहीं करना चाहिए, मगर हमारे साथ जो कुली थे उन्हें शायद इन सब बातों का ज्ञान ना हो, इसीलिए वे बाघ को देखते ही चिल्ला उठे, "शैतान! शैतान!" उसके तुरंत बाद ही हम दोनों ने बंदूक उठाकर बाघ पर गोली चला दी। वह बाघ एक झटके में उठ खड़ा हुआ, फिर जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद वह हिला भी नहीं। शैतान को इतनी आसानी से घायल करने पर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों कुल्ली भी खुशी से उछल पड़े। मैं और हरीश बाघ के पास पहुंचे तो देखा कि बाघ ने दम तोड़ दिया है। उसके बाद यह खबर आसपास के गांव वालों में फैल गई कि शैतान मारा गया, तो काफी गांव वाले उसे देखने के लिए आए। कुछ लोगों ने तो मरे होने के बावजूद भी उस पर लाठी बरसाए। शैतान के लिए लोगों के मन में काफी गुस्सा भरा था। बड़ी मुश्किल से गांव वालों को रोककर शैतान के शरीर को ले जाने के लिए कुछ कुलियों को राजी करके फिर से घर के लिए रवाना हुए। कुछ दूर चलने के बाद एकदम अचानक से किसी काले दैत्य की तरह आसमान में काले बादल पूरे तेज हवा के साथ पता नहीं कहां से चले आए। देखते ही देखते तेज हवा ने आंधी का रूप ले लिया। आप शहर में रहकर इस तरह की आंधी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हवा के वेग से पेड़ पौधे हिचकोले खाने लगे और कुछ ही देर में दिन की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और अंधेरा छा गया। कुछ दूर चलने पर हमें एक पुराना बंगलो दिखा। जल्दी से हम उस बंगलो के अंदर चले गए। आंधी के साथ आई तेज बारिश, मैं समझ गया कि आज और घर वापस नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि यहां से मेरा घर करीब 5 मील होगा। ऊपर से बीच में एक नदी भी है और उस पहाड़ी नदी का पानी इस बारिश की वजह से अभी तक 2 गुना हो चुकी होगी। जब कुलियों को पता चला कि हम रात यही बिताने वाले हैं तो कुली लोग भी घर जाने के लिए जिद करने लगे। हमने उन्हें बख्शीश का लालच भी दिया पर वह नहीं माने, और उन्होंने यहां से जाने का 2 कारण बताया। पहला, वह लोग
शैतान के मृत शरीर के साथ रात नहीं गुजारना चाहते हैं। एवं दूसरा, इस बंगले में काफी पहले कोई साहब रहते थे जिनका यहाँ के कुछ लुटेरों ने इस घर में हत्या कर दिया था। तभी से इस घर में कोई नहीं आता और उस तेज बारिश में ही सारे कुली बंगले से निकलकर चले गए। क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हम शिकारी हैं तो हमें हमेशा किसी भी आपदा के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। अपने साथ एक लालटेन लाया था, उसे जलाया। बैग में कुछ बिस्किट और ब्रेड का टुकड़ा था, उसी से मेरा, हरीश और मेरे कुत्ते टाइगर का पेट भरना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। कम से कम हम इस तेज बारिश में किसी खुले मैदान में नहीं है, वही काफी है। हम लोगों ने बीच के एक हॉल जैसे कमरे में आश्रय लिया। घर के सारे खिड़की दरवाजे टूट चुके थे और घर के फर्श पर धूल की मोटी चादर छड़ी हुई थी। धूल पर काफी सारे जंगली जानवरों के पैरों का निशान दिखा, बाघ का, भालू का, कुत्ते लोमड़ी का भी। यहां वहां काफी हड्डियां बिखरी हुई थी, कुछ हड्डियां तो इंसान की हो ऐसा भी संदेह हुआ। मैं समझ गया, मनुष्य का घर आज बाघ व भालू के घर में तब्दील हो गया है। मैंने बोला, हरीश, यहां पर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी वक्त यहां बाघ व भालू से साक्षात्कार हो सकता है, तो इसलिए बंदूक की गोलियां भरकर तैयार रहो। हरीश मेरे कहे मुताबिक बंदूक की गोलियां भरते हुए बोला, आज रात लगता है, सोने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे कुत्ते टाइगर को यह घर एकदम पसंद नहीं आया। वह घर में चारों तरफ घूम घूम कर कुछ देर हड्डियों को सूंघता रहा। उसके बाद सर ऊपर उठाकर पता नहीं क्यों अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा। ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे में किसी को देख रहा हो। टाइगर काफी साहसी कुत्ता है, बाघ देखने पर भी नहीं डरता, पर आज पता नहीं क्यों काफी डरा हुआ लग रहा था। पेट के नीचे अपना पूंछ दबाकर कभी यहां कभी वहां जाकर बैठ जाता है, फिर अचानक अपने कान खड़े करके इधर उधर देखने लगता है, जैसे किसी के चलने का आवाज सुन रहा हो। मैंने आज से पहले कभी भी टाइगर को इतना विचलित और डरा हुआ नहीं देखा था। मैंने आवाज लगाकर बुलाया, टाइगर, क्या रे, क्या हुआ, इधर आ। मेरे बुलाने के बावजूद भी टाइगर मेरे पास नहीं आया, जैसे कि उसे मेरी आवाज सुनाई ही ना दी हो। रह रहकर वह चौंक उठता और मुंह से अजीब सा आवाज निकालने लगता। हरीश ने भी चौंक कर पूछा, टाइगर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्या देख लिया जो वह इतना डरा हुआ है। मैं भी वही सोच रहा था। घर में चारों तरफ अच्छे से देखा मगर संदेहजनक तो कुछ दिखा नहीं। तभी अचानक मेरी नजर दीवाल पर पड़ी। मैंने देखा कि दीवाल पर किसी की काली परछाई धीरे धीरे हिलते हुए एक कोने में चली जा रही है। मैंने हरीश का हाथ पकड़कर बोला, देखो देखो। टाइगर भी उसी वक्त जोर से चिल्लाने लगा। हरीश बोला, क्या क्या देखो? उस छाया को देखो, दीवाल के ऊपर हिल रहा है। तुम भी पागल हो गए क्या, वहां तो कुछ भी नहीं है। मैं भी आंख रगड़ कर देखा तो पाया सच में वहां पर कुछ भी नहीं है। अपनी गलती समझकर फिर शर्म से कुछ नहीं बोला। बाहर अभी भी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, आज लगता है यह बारिश नहीं रुकेगी। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद अचानक जंगल में से किसी बाघ के गरजने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि शायद वह शैतान की ही संगिनी हो और वन में शैतान को ढूंढ रही हो। हम दोनों जल्दी से बंदूक हाथ में लेकर सजग होकर बैठे रहे, लेकिन कुछ ही देर में बाघ का गरजना बंद हो गया। हो सकता है वह दूर चली गई हो। तब हमने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फिसफिसाकर कुछ कह रहा है। मैं हरीश के करीब खिसक कर बैठ गया। हरीश ने चौंक कर पूछा, अब क्या हुआ? मैंने कहा, हरीश, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूं जो आज से पहले कभी नहीं किया। चलो ना हरीश, हम इस बंगले से निकलकर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, हरीश ने कहा। अरे भाई, ऐसे पुराने टूटे फूटे घर में आने पर यूं ही अजीब अनुभूतियां होती हैं। कुलियों द्वारा कही बातें तुम्हारे मन पर प्रभाव डाल रही हैं। तुम बस शांत रहो। मैंने कहा, चलो मान लिया कि मेरे मन में कुलियों की बात चल रही है, पर टाइगर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? वह तो कुलियों की बात नहीं समझा। अरे भाई, टाइगर है एक अबोध जंतु, यूं ही डर गया होगा। वह डर गया तो क्या, तुम भी डरोगे? तभी अचानक घर के बाहर लकड़ी से बने दालान पर किसी के चलने का आवाज आने लगा। आवाज दरवाजे तक आकर फिर दूर चला गया। हरीश बोला, शायद किसी जंतु के पैरों का आवाज है। परंतु मेरा मन बोल रहा था कि यह किसी जंतु का आवाज नहीं है। जीवन में ऐसी अलौकिक अनुभूति मेरे साथ कभी नहीं हुई। किस्मत से मेरे साथ हरीश है।
अकेले रहता तो पता नहीं क्या हाल होता। तभी अचानक फिर से बाहर बाघ के गर्जने की आवाज आने लगी, पर इस बार वह आवाज काफी करीब से आ रही थी। तो क्या शैतान की संगिनी को पता चल गया कि शैतान यहां पर है? हरीश बोला, जल्दी से बंदूक उठाओ, वह बाघ अंदर भी आ सकता है। तभी अचानक खिड़की से एकदम काले रंग का कुछ घर में घुस गया। हरीश बोला, चमगादड़। इसके तुरंत बाद ही पता नहीं कहां से दरवाजे पर एक कुत्सित काले रंग की बिल्ली आ गई। चमगादड़ उड़कर कमरे में गोल गोल चारों तरफ घूमने लगा और वह बिल्ली कर्कश आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगी। वह चमगादड़ उड़ते हुए जाकर शैतान के शरीर पर पंख फैलाकर गिर पड़ा। उसी वक्त मेरा कुत्ता टाइगर करुण स्वर में चिल्लाकर भागकर मेरे पास आया और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कांपते हुए उसके शरीर पर हाथ रखा तो देखता हूं कि टाइगर मर गया है। हरीश शैतान की तरफ इशारा करते हुए विस्मयता से बोला, सुरेन देखो देखो। वह भी क्या दृश्य था, जिसे हमने गोली मारा था, जिसका शरीर 3-4 पुली उठाकर लेकर आए थे, जिस पर मरने के बाद भी गांव वालों ने लाठी बरसाया था, जो अभी तक मरकर लकड़ी की तरह सख्त हो गया था। वह शैतान अपने चारों पैरों पर खड़ा था और उसकी दोनों आंखें आग की तरह जल रही थी। ऐसा लगा जैसे कि वह दोनों आंखें हमें अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर देना चाहती हो। बाहर फिर से बाघ के गरजने की आवाज आने लगी और शैतान धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। चमगादड़ और काली बिल्ली भी नहीं दिखे। चिल्लाकर मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसी सप्ताह दरख्वास्त डालकर दूसरे शहर में तबादला करवा लिया ताकि फिर से शैतान का सामना ना करना पड़े। हरीश के मुताबिक शैतान हमारी गोली से मरा नहीं था, बस मूर्छित हो पड़ा था। ऐसा हो भी सकता है और शायद नहीं भी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।